मंत्री के एस शाह। अब की बार आजा आजा जिंदे फिर एक बार के पहले है आजा फिर एक बार धीरे आजमाने बार 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 కొంతమంది మీటింగ్ అయిపోయింది అనుకుంటున్నారు. ఇప్పుడే మీటింగ్ ప్రారంభమవుతుంది. గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు ఓపెన్ టాప్ సీన్ లో మన మధ్యకు వస్తా ఉన్నారు. మనమందరం కూడా గౌరవాల ధ్వనులతో గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారికి స్వాగతం తెలియజేస్తుందిగా మీ అందరికీ కూడా సవినయంగా అప్పీల్ చేస్తా ఉన్నాను. భారతదేశ కీర్తి ప్రతిష్టల్ని ప్రపంచవ్యాప్తం చేసినటువంటి పెద్దలు ఆయన ఇండియన్ అని చెప్పి గర్వంగా ప్రపంచంలో ఎక్కడున్న భారతీయుడైనా ఆయన ఇన్ ఇండియన్ అని గర్వంగా చెప్పుకునే రీతిలో చెప్పినటువంటి గొప్ప నాయకుడు మోడీ గారి నాయకత్వం నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్. ఇవ నరేంద్ర మోడీ గారు మీ మధ్యలోకి ఇప్పుడే విచ్చేసినారు కాబట్టి కార్యకర్త బంధువులందరూ కూడా దయచేసి వారికి పెద్ద ఎత్తున స్వాగతం పలకాల్సిందిగా మీకందరికీ కూడా అప్పీల్ చేస్తా ఉన్నాం. నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం జై శ్రీరామ్. భారత్ మాతా కీ భారత్ మాతా కీ భారత్ మాతా కీ. నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం దయచేసి వారు ఇప్పుడు ఈ వేదిక మీదకి రాబోతా ఉన్నారు. ఈ వేదిక నుంచి మనలందరినీ కూడా ఉద్దేశించి మాట్లాడతారు. కాబట్టి కార్యకర్త బంధువులు ఎవరు కూడా వారి వారి కేటాయించినటువంటి స్థానాల్లోనే ఆసీనులు కావాల్సిందిగా సవినయంగా అప్పీల్ చేస్తా ఉన్నాం. స్టేజ్కి రైట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి మిత్రులు కూడా దయచేసి కూర్చోవాలి. మీటింగ్ అయిపోయింది అనుకుంటున్నారు కొంతమంది. మీటింగ్ ఇప్పుడే ప్రారంభం కాబోతా ఉంది. మీరందరూ కూడా కరతాల చొరలతోటి భారత ప్రధాని గౌరవనీయులు మనందరి నాయకుడు భారతదేశాన్ని విశ్వగురువుగా మలిచినటువంటి గొప్ప నాయకుడు నాడు నరేంద్రుడు కలలు కంటే నేటి నరేంద్రుడు మన దేశాన్ని విశ్వగురువుగా మలిచి ఐఎమ్ ఇన్ ఇండియన్ అని ప్రపంచంలోని ప్రతి కార్నర్లో గొప్పగా చెప్పుకునే రీతి లోపల మన కీర్తి ప్రతిష్టల్ని పెంచినటువంటి మాననీయులు. प्रधानमंत्री संगारेड्डी पहुंच चुके हैं और आपको पता है कि आज तेलंगाना में लगातार दूसरे दिन प्रधानमंत्री मौजूद है। 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद अब एक बार फिर से जनसभा को संबोधित करने के लिए संगारेड्डी पहुंचे हैं और बेसब्री से लोग उनका इंतजार कर रहे थे आज सुबह से ही। और फूलमालाओं के साथ स्वागत किया गया, पुष्प वर्षा की गई, प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। बीच बीच में जय श्री राम के नारे भी लगे। वहाँ पर लोगों ने अपना हृदय खोल करके संगारेड्डी की जनता ने आज अभिवादन किया है। जी किशन रेड्डी साहब जो कि प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं वो भी इस जनसभा का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं और गजब का उत्साह पिछले दो दिनों से देखा जा रहा है तेलंगाना में। कल आपने तेलंगाना के मुख्यमंत्री को भी सुना, उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की कि वो गुजरात की विकास परियोजनाओं के मॉडल के आधार पर तेलंगाना का विकास करना चाहते हैं, केंद्र के साथ मिलकर के वो विकास की परियोजनाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने सहयोग मांगा और प्रधानमंत्री ने पूरा आश्वासन दिया कि तेलंगाना का विकास, राष्ट्र का विकास एक साथ करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सबका साथ, सबका विश्वास और सभी के प्रयास से जो विकसित भारत की परिकल्पना की गई है, बिना विकसित राज्यों के विकसित भारत की परिकल्पना नहीं की जा सकती। और इसलिए राज्यों के विकास को देश के विकास के साथ मिलकर के कदम ताल करके आगे लेकर के जाना, यही केंद्र की नीतियों में स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। और जो परियोजनाएं आज समर्पित की गई हैं तेलंगाना राज्य के लिए, न केवल तेलंगाना बल्कि जो पड़ोसी राज्य हैं कर्नाटक महाराष्ट्र उनके साथ तेलंगाना की कनेक्टिविटी, क्योंकि साउथ इंडिया का गेटवे कहा जाता है तेलंगाना को, वहां का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो विकास की धारा को अगर प्रवेश करना है दक्षिण भारत में तो तेलंगाना का विकास अत्यंत आवश्यक। और इसीलिए आज रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी के साथ साथ एविएशन क्षेत्र के लिए भी बड़े ऐलान किए गए। हैदराबाद साथ ही साथ देश के एविएशन सेक्टर के लिए आज बड़ा ऐलान। अब से थोड़ी देर पहले बेगमपेट के हवाई अड्डे को एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर देश को समर्पित किया गया। साथ ही साथ 3 NH की परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया गया, जो कर्नाटक महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए अहम भूमिका निभाएंगी। और आप देखिए कि किस तरह से लोग अत्यंत गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए लगातार दूसरे दिन तेलंगाना की जनता में भारी उत्साह
कल हमने देखा था कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में, रिन्यूएबल्स के क्षेत्र में, थर्मल पावर के क्षेत्र में, वहां पर आदिलाबाद में कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया था। उमिलेश भट्ट हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं संगारेड्डी से। बहुत धन्यवाद उमिलेश। कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स हैं या कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आज प्रधानमंत्री के भाषण का हिस्सा हो सकते हैं? बिल्कुल, जैसे कि आपने भी दर्शकों को बताया और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई जो है जो विभिन्न परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास और उद्घाटन करके राष्ट्र को समर्पित किया है। ऐसे में कह सकते हैं कि आज तेलंगाना को एक बहुत बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्वारा दी गई है, जिसमें कि जो उड्डयन, नागरिक उड्डयन जो अनुसंधान संगठन केंद्र है उसका उद्घाटन किया गया है। ये लगभग 350 करोड़ के जो लागत है उससे निर्मित किया गया है, जिसमें कि उस अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है ये एक अनुसंधान संस्थान रहेगा। साथ ही जो है रेल और सड़क परियोजनाओं का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ देर पहले जो है उद्घाटन और शिलान्यास करके राष्ट्र को समर्पित किया है। अजय, अगर सबसे बड़ी बात की जाए तो प्रधानमंत्री अभी जनसभा में पहुंचे और एक बड़ी जनसभा यहाँ पर है, और जैसे कि हमारे दर्शक भी देख होंगे कि प्रधानमंत्री जनता के बीच से अपने सिर परचित अंदाज में गए हैं। जनता ने भी प्रधानमंत्री का जो है जबरदस्त स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने जो है जनता का अभिवादन करते हुए आगे बढ़े हैं। निश्चित तौर से कहीं ना कहीं अपने जनप्रिय नेता की जो एक झलक पाने के लिए लोगों में जो उत्साह था, जो जोश था, वो काबिले तारीफ था। और ऐसे में कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लाखों की भीड़ है, जब हमने उनसे जो है बात की है तो कह रहे थे कि हम प्रधानमंत्री को जो है अपने जनप्रिय नेता को जो है देखने के लिए काफी उत्साहित है। कई दिनों से हम लोग इंतजार कर रहे थे, और जो कि आप देख भी सकते हैं कि जनता में जबरदस्त उत्साह है, उमंग है प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए, अपने जनप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने के लिए। और जो थोड़ा हमारे दर्शकों को जिस जगह पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं संगारेड्डी, वहां की कुछ खासियत बताइए। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री ने क्यों चयन किया आदिलाबाद और संगारेड्डी का तेलंगाना की जनता के साथ उन्मुख होने के लिए, उन्हें संबोधित करने के लिए, संगारेड्डी की खासियत? इस वक्त मंच पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री संगारेड्डी में, और स्थानीय जनता तेलंगाना की गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए भारत माता की जय और जय श्री राम के नारों के बीच प्रधानमंत्री एक बार फिर से तेलंगाना की जनता को आज लगातार दूसरे दिन संबोधित करेंगे। आपको याद होगा कि कल तेलंगाना के आदिलाबाद में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था, उसके बाद तमिलनाडु पहुंचे प्रधानमंत्री, और वापस फिर आज सुबह उज्जैनी महाकाली के दर्शन पूजन के बाद प्रधानमंत्री ने 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण और आधारशिला रखी, और उसके बाद फिर से एक बार जनसभा को संबोधित करते हुए जय श्री राम, जय श्री राम। इपड़ो गौरवनी भारतीय जनता पार्टी तेलंगाणा राष्ट्र रथ सारथि गौरवनी गंगापुर किशन रेडी गारिनी मात्लाडवलसिंदिगा कोरुता उन्नानु। जय हिंद, जय भारत। అందరూ చీరలలో కూర్చోండి దయచేసి. చాలామంది నిలబడి ఉన్నారు, టెంట్ బయట కూడా చాలామంది ఉన్నారు, దయచేసి వాళ్ళందరినీ లోపలికి అనుమతించాల్సిందిగా పోలీసులను కోరుతా ఉన్నాం. ఈరోజు మన పట్టంచోరులో జరుగుతున్నటువంటి విజయ సంకల్ప సభకు వచ్చినటువంటి గౌరవ భారత ప్రధానమంత్రి విశ్వనాయకుడు శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారికి తెలంగాణ ప్రజల తరఫున, తెలంగాణ భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున హృదయపూర్వకమైనటువంటి స్వాగతం పలుకుతా ఉన్నాను. గత 10 సంవత్సరాలుగా తెలంగాణ అభివృద్ధి కోసము నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఎంతో అంకితభావంతో, చిత్తశుద్ధితో కేంద్ర ప్రభుత్వం పనిచేసిందనే విషయాన్ని మరొకసారి నేను పునరుద్ఘాటిస్తా ఉన్నాను. నరేంద్ర మోడీ గారు తెలంగాణలో అనేక రకాల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది. జాతీయ రహదారుల కోసము 120,000 కోట్లు, అదేవిధంగా ఎరువుల సబ్సిడీ పైన 33,000 కోట్లు, రైల్వేల అభివృద్ధి కోసం 35,000 కోట్లు,
అదే విధంగా రేషన్ సబ్సిడీ మీద 30,000 కోట్లు ఉపాధి హామీ పథకం మనరేగా కింద 26,728 కోట్లు జీఎస్టీకి సంబంధించి 15,000 కోట్లు రామగుండం ఎన్టీపీసీ ఆధ్వర్యంలో 1600 మెగావాట్ల పవర్ ప్రాజెక్ట్ కోసం 10,998 కోట్లు పిఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి కింద 10,000 కోట్లు ఈరోజు మరి సర్వశిక్ష అభియాన్ కింద 7,500 కోట్లు గ్రామ పంచాయతీల అభివృద్ధి కోసము 7,200 కోట్లు రామగుండంలో యూరియా పరిశ్రమ కోసము 6,338 కోట్లు ఎల్పిజి సబ్సిడీ కింద 5,859 కోట్లు హెల్త్ మిషన్ కింద 5,550 కోట్లు ఈ రకంగా ప్రధానమంత్రి కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయాల కోసము 4,500 కోట్లు స్వచ్ఛ భారత్ లో కింద 3,745 కోట్లు ఈ రకంగా అనేక కార్యక్రమాలు కేంద్ర ప్రభుత్వము ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఇవ్వడం జరిగింది ఈఎస్ఐ మెడికల్ కాలేజ్ ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్ ఎయిమ్స్ హాస్పిటల్ ఎయిమ్స్ మెడికల్ కాలేజ్ అదేవిధంగా ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన ఈ రకంగా అనేక కార్యక్రమాలు కేంద్ర ప్రభుత్వము మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఇవ్వడం జరిగింది నేను ఇవన్నీ చదివితే ఆల్మోస్ట్ ఒక గంట పడుతుంది ఈరోజు మనవి చేస్తా ఉన్నాను గత 9.5 సంవత్సరాలుగా అధికారంలో ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ తర్వాత బీఆర్ఎస్గా మారి ఈరోజు బురద తల్లేటువంటి ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది ఒక తప్పుడు ప్రచారం చేయడం జరిగింది కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణకి ఏమి కూడా లేదని ఈరోజు మనవి చేస్తా ఉన్నాను టీఆర్ఎస్ పార్టీ స్థానంలో ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది తెలంగాణ ప్రజలు భావించారు మా బతుకులు మారుతాయేమో జీవితాల్లో మార్పు వస్తుందేమో అనేటువంటి ఆలోచనతో ఉన్నారు కానీ ఈరోజు తెలంగాణలో ఏ రకమైనటువంటి మార్పు కనిపించడం లేదు ఏ రకంగానైతే కేసీఆర్ కుటుంబము తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని తన ఇష్టారాజ్యంగా పరిపాలించి తెలంగాణను దోపిడీ చేయడం జరిగిందో తెలంగాణ సంపదను దోచుకున్నారో అది ల్యాండ్ మాఫియా కావచ్చు లిక్కర్ మాఫియా కావచ్చు శాండ్ మాఫియా కావచ్చు కాంట్రాక్ట్ మాఫియా కావచ్చు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పూర్తిగా తెలంగాణను దోచుకున్నారు మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చిన తర్వాత ఏదైనా మార్పు ఉందంటే అదేమీ కనిపించడం లేదు ఆ రోజు కేసీఆర్ కుటుంబం అవినీతికి పాల్పడితే 1,000 కోట్ల రూపాయలు దోపిడీ చేస్తే ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి ఈ 100 రోజుల్లోనే మరి రాహుల్ గాంధీ ట్యాక్స్ పేరు మీద మనం ఓటేసిన పాపానికి దేశమంతా కాంగ్రెస్ పార్టీ రానున్నటువంటి పార్లమెంట్ ఎన్నికల కోసము తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారస్తులపైన బిల్డర్స్ పైన కాంట్రాక్టర్లపైన కంపెనీల దగ్గర బెదిరించి ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్ద ఎత్తున రాహుల్ గాంధీ ట్యాక్స్ వసూలు చేస్తున్నటువంటి విషయాన్ని మనం చేస్తా ఉన్నాను అందుకే ఈరోజు ఈ రెండు పార్టీలు కుటుంబ పార్టీలే ఈ రెండు పార్టీలు అవినీతి పార్టీలే రెండు పార్టీల డిఎన్ఏ ఒకటే దీనికి తోడు కలిసింది ఎంఐఎం పార్టీ ఈరోజు ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ ఎంఐఎం కొమ్ము కాసేటువంటి పార్టీలే కుహన లౌకికవాదంతో ఓటు బ్యాంక్ రాజకీయాలతో ఈ యొక్క మూడు పార్టీలు కూడా తెలంగాణ ప్రజలను గత అనేక సంవత్సరాలుగా దోచుకున్న విషయం మనవి చేస్తా ఉన్నాను 10 సంవత్సరాల క్రితం కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉంది మళ్ళీ ఈ మధ్యలో అధికారంలోకి వచ్చింది ఎందుకు మనవి చేస్తా ఉన్నానంటే వీళ్ళందరూ కూడా ఎప్పుడో ఒకసారి కలిసిన పార్టీలే కలిసి కాపురం చేసినటువంటి పార్టీలే కలిసి ఎన్నికల్లో పోటీ చేసినటువంటి పార్టీలే కలిసి అధికారాన్ని పంచుకున్నటువంటి పార్టీలే ఈ రెండు పార్టీలకు తేడా లేదు దొందు దొందే ఈ యొక్క ఒకే తానుముక్కలు ఈ యొక్క పార్టీలు తెలంగాణలో నిజమైనటువంటి మార్పు రావాలంటే నిజమైనటువంటి ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ రావాలంటే ఈ కుటుంబ పార్టీలకు చరమవిగితం పాడాలి టీఆర్ఎస్ పార్టీ కేసీఆర్ తన కొడుకును ముఖ్యమంత్రి చేయాలని చూస్తారు కాంగ్రెస్ పార్టీ రాహుల్ గాంధీని ప్రధానమంత్రి చేయాలని చూస్తారు కానీ ఒక్క భారతీయ జనతా పార్టీ మాత్రమే ప్రజల కోసం పనిచేసేటువంటి పార్టీ దేశం కోసం పనిచేసేటువంటి పార్టీ దేశ అభివృద్ధి కోసం పనిచేసేటువంటి పార్టీ కాబట్టి మీ అందరు కోరుతా ఉన్నాను ఈరోజు దేశంలో నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో మూడవసారి
హ్యాట్రిక్ ప్రధానమంత్రిగా ఈరోజు దేశ ప్రజల ముందు రాబోతా ఉన్నారు. అధికారంలో వచ్చిన తర్వాత నరేంద్ర మోడీ గారు మాట తప్పలేదు, మడమ తిప్పలేదు, ఇచ్చినటువంటి హామీలు తూచ తప్పకుండా అమలు చేసేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి నాయకత్వం కలిగినటువంటి వ్యక్తి నరేంద్ర మోడీ గారు. మోడీ గారి గ్యారంటీ ఇచ్చారంటే ఖచ్చితంగా అది జరిగి తీరుతుందని ఈరోజు భారతదేశమే కాదు ప్రపంచమంతా కూడా ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం పట్ల చూస్తా ఉన్నారు. అందుకే మనం చేస్తా ఉన్నాను, మనమందరం కూడా ఈరోజు ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా తెలంగాణ ప్రజలను కోరుతా ఉన్నాను, 17కు 17 సీట్లు నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో భారతీయ జనతా పార్టీ గెలవాలి. ఫిర్ ఏక్ బార్ అందరూ లేచి నా చెప్పాలి, ఫిర్ ఏక్ బార్ అప్కీ బార్ 400 పార్ అప్కీ బార్ మా కుటుంబ సభ్యుడే మీరు అనాలి, మోడీ మా కుటుంబ సభ్యుడే, మోడీ మేరా మోడీ మేరా పరివార్, మేరా మోడీ భారత్ మాతాకి జై శ్రీరామ్. రెండు చేతులు కూడా ఎత్తి మాట్లాడి జై శ్రీరామ్. ఇప్పుడు గౌరవనీయులు, మనందరం ఎంతో సేపటి నుంచి ఆసక్తిగా ఎదురు చూసినటువంటి గౌరవ పెద్దలు, మన దేశ ప్రధాని మాననీయులు శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారిని మనల్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి. నా తెలంగాణ కుటుంబ సభ్యులందరికీ నమస్కారాలు. ఆజ్ మే లగాతార్ దూసరే దిన్ తెలంగాణ మే హూ. జితనా ఉత్సాహ మే తెలంగాణ కే లోగో మే బీజేపీ కే లియే దేఖ్ రహా హూ, ఉత్నా హీ మేరా విశ్వాస్ భీ బఢతా జా రహా హై. आपके इस स्नेह को मैं, आपके इस प्यार को मैं तेलंगाना के विकास के रूप में 2 गुना करके लौटाऊंगा. ये आपका प्यार, ये आपका उत्साह, ये आपके आशीर्वाद मैं बेकार नहीं जाने दूंगा. ईदी मोदी गारंटी, मोदी गारंटी अंटे गारंटी का पूर्ति अये गारंटी. और साथियों, आप भी जानते हैं कि मोदी जो कहता है वो करके दिखाता है. मैंने आपसे कहा था कि हम सब मिलकर भारत को
पूरे विश्व में एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। आज आप देख रहे हैं कि कैसे भारत पूरे विश्व में आशा की किरण बनकर नई ऊंचाई छू रहा है। और मैंने देखा है कि विदेशों में हमारा जो डायस्पोरा है ना, इसमें हमारे तेलुगु भाषी बहुत बड़ी मात्रा में है। और ये हमारे तेलुगु भाषी आज दुनिया में जब वो कहते हैं ना मैं हिंदुस्तान का हूं, उसका भी डंका जम जाता है। होता है कि नहीं होता है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपका माथा ऊंचा होता है कि नहीं होता है? साथियों, हमने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के अंत की बात कही थी, आर्टिकल 370 हटाने की बात कही थी। ये वादा बीजेपी ने पूरा किया कि नहीं किया? करके दिखाया कि नहीं दिखाया? और ये काम इतना बड़ा हुआ है कि आजकल आर्टिकल 370 फिल्में बन रही हैं और बहुत पॉपुलर हो रही है। पहली बार देश में, इतिहास की इन विषयों में इस फिल्म के माध्यम से लोगों में रुचि दिखाई दे रही है, इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। साथियों, हमने कहा था कि हम सब मिलकर अयोध्या के भव्य मंदिर में भगवान राम का स्वागत करेंगे। स्वागत किया कि नहीं किया? शान से किया कि नहीं किया? गौरव से किया कि नहीं किया? हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने किया कि नहीं किया? पूरे भारत ने किया कि नहीं किया? दुनिया भर में भारतीयों ने किया कि नहीं किया? मोदी की गारंटी हुई कि नहीं हुई? मोदी ने आपसे कहा था कि भारत आर्थिक तरक्की का नया अध्याय लिखेगा। आज दुनिया की सबसे तेजी से विकास होने वाली, विश्व की सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी हमारा हिंदुस्तान है कि नहीं है? अब मैं आपको ये पूछूं, क्या मोदी की गारंटी पूरी हुई कि नहीं हुई? मोदी की गारंटी का मतलब पक्का है कि नहीं है? अब मैं आज आपको ये गारंटी दे रहा हूं, लिख लीजिए। आज मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं, अगले कुछ वर्षों में भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाएंगे। और ये वादा भी पूरा होगा, क्योंकि ये मोदी की गारंटी है। और आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, मोदी गारंटी अंटे गारंटी का पूर्ति है ये गारंटी। साथियों, आज जब मोदी आपसे
और आपके परिवार को दी गई गारंटी को पूरा करने में लगा है। तो कांग्रेस और उसके साथी मोदी को, मोदी के परिवार को गाली देने पर उतर आए हैं। ये गाली क्यों दे रहे हैं पता है? ये मोदी उनको आंखों में चुभता क्यों है? इसका कारण है, मैं इनके सैकड़ों हजारों करोड़ रुपयों के घोटालों की पोल खोल रहा हूं। मैं इन लोगों के परिवार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ मैं व्यक्तिगत आरोप किसी पे नहीं लगाया, परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाता हूं। मैं सही करता हूं नहीं करता हूं? अभी किशन रेड्डी ने सबका बताया कौन किसका परिवार में क्या कर रहा है। आप जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक देखिए, जहां जहां परिवारवादी पार्टियां राज कर रही हैं, वो परिवार तो मजबूत हुआ लेकिन वो राज्य बर्बाद हुआ है कि नहीं हुआ है? वो परिवार मजबूत हो गए, वो राज्य मजबूत नहीं हुआ। क्या ये परिवारवादी राजनीति चलनी चाहिए? ये परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की विरोधी है कि नहीं है? ये परिवारवादी पार्टियां टैलेंट की विरोधी है कि नहीं है? ये परिवारवादी युवा की विरोधी है कि नहीं है? जब मैं ये कहता हूं तो ये लोग क्या कहते हैं? जब मैं परिवारवाद का विरोध करता हूं, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद नई टैलेंट को उभरने नहीं देता, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद युवाओं का अवसर रोकता है, तो ये लोग जवाब नहीं देते हैं। उस उल्टा क्या कहते हैं? ये कहते हैं मोदी का कोई परिवार ही नहीं है। क्या परिवार वालों को चोरी करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? ना ना, तुम्हारा परिवार है इसलिए चोरी करने की छूट? क्या तुम्हारा परिवार ने सत्ता पर कब्जा करने की छूट? मैंने तो देखे हैं ऐसे मुख्यमंत्री, उनके एक ही परिवार के, निकट के एक ही कुटुंब के 50-50 लोग उच्च पदों पर उस राज्य में विराजमान हो जाते हैं। क्या ये लोकतंत्र है क्या? और ऊपर से लोग क्या कहते हैं? मोदी के साथ हमारी विचारधारा की लड़ाई है। अब बताओ भाई, वो कहते हैं हम परिवार वाले सब करेंगे और मोदी को परिवार नहीं है, क्या ये विचारधारा की लड़ाई है क्या? और अगर ये विचारधारा की लड़ाई है तो मैं बताता हूं विचारधारा की लड़ाई क्या होती है। वो कहते हैं फैमिली फर्स्ट, मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। ये है विचारधारा की लड़ाई। उनके लिए उनका परिवार ही सब कुछ है, मेरे लिए देश का हर परिवार सब कुछ है। इन्होंने अपने परिवार के हितों के लिए देश हित को बलि चढ़ा दिया। मोदी ने देश हित के लिए खुद को खपा दिया है। ये परिवारवादी इतने इनसिक्योर है,
इतने इनसिक्योर हैं, इन्होंने देश के हजारों युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ने ही नहीं दिया। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी पहले परिवारवादी नहीं थी, लेकिन जब से परिवारवादी बनी है, 50 साल से कम आयु वाले किसी व्यक्ति को आगे नहीं देते, आने देते। और किसी को बिठाना पड़े तो किसको बिठाएंगे? 75 साल वाले को ले आएंगे, 80 साल वाले को ले आएंगे, 85 ईयर वाले को ला करके बिठा देंगे, क्योंकि उनको डर लगता है कि 50-55 वाला आ गया और ओवरटेक कर गया तो परिवार का क्या होगा। मोदी लगातार देश की राजनीति में ईमानदार युवाओं को आगे ला रहा है। ये परिवारवादियों ने देश को लूटा, अपनी तिजोरियां भरी, मोदी ने उसको जो तनख्वाह मिलती है ना, सरकार से जो पेमेंट मिलता महीने का, उसमें से भी जब जब मौका आया कुछ न कुछ मैंने लोगों के लिए खर्च कर दिया है, दान कर दिया है। परिवारवादियों ने सरकारों में रहकर महंगे महंगे गिफ्ट लिए हैं, सौगातें ली हैं, और गिफ्ट के जरिए भी अपने काले धन को सफेद बनाया। लेकिन मोदी ने आज तक जो गिफ्ट मिलती है वो सारी गिफ्ट तोशाखाना में जमा करा देता है, उसकी नीलामी होती है, और जो पैसे आते हैं वो पैसे मां गंगा की सेवा में लगा देता है। आपको जानकर के खुशी होगी, आप जिस मोदी के परिवारजन है ना, इस परिवार का सर कभी झुकने नहीं दूंगा मैं। आप मेरे परिवारजन है, आपका माथा कभी नीचे नहीं होने दूंगा। जब मैं गुजरात में था तो मुझे जो भेंट सौगात मिलती थी ना, उस समय भी मैं उसकी नीलामी करता था, और उन पैसों को मैं गरीब की बेटियों की पढ़ाई के लिए लगा देता था। और आपको जानकर के आनंद होगा, मेरे तेलंगाना के भाई बहन, हमारे मीडिया वालों के लिए ये जो मैं बोल रहा हूं वो खबरें नहीं होती है, क्योंकि अगर ये खबरें छप जाए तो बाकी लोगों को बहुत नीचा दिखाना पड़ेगा, इसलिए ऐसी खबरों को दबा दिया जाता है। आपको जानकर खुशी होगी, गुजरात में और दिल्ली में आकर मुझे जो भी लोग गिफ्ट देते हैं, यहां कोई शाल पहना देता है, कोई मूर्ति दे देता है, ये जो कुछ भी मुझे मिलता है ना, उसकी नीलामी की है, सत्कार्य के लिए की है, इसलिए लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके नीलामी में हिस्सा लिया। और ये आपका सेवक वो क्या करता है, अब तक करीब करीब 150 करोड़ रुपया ये लोगों की सेवा में लगा दिए हैं। दोस्तों, अगर मैं भी परिवारवादी होता तो ये सब ले जाता और कोई पूछता ही नहीं, वो कहते भाई मंच पर दिया था, वो तो उनका है। मैंने इसको भी आपकी सेवा में अर्पित कर दिया है। साथियों, उन्होंने काला धन ठिकाने लगाने के लिए विदेशी बैंकों में अपने खाते खोले। मोदी है जिसने यहां
करोड़ों गरीब भाई बहनों के जनधन खाते खुलवाए। ये फर्क है। इन परिवारवादियों ने अपने परिवार के लिए कोठियां बनाई, अपने परिवार के लिए महल बनवाए, शीश महल बनवाए। मोदी ने आज तक अपने लिए भी एक घर तक नहीं बनाया। उल्टा मोदी तो देश के गरीबों के पक्के घर बनवा रहा है। अब तक 4 करोड़ घर बन चुके हैं। उन्होंने, परिवारवादियों ने देश की खदानें बेची, महंगी जमीनें बेची, आकाश बेचा, देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये परिवारवादियों के कारनामे हैं। और मोदी देश बनाने के लिए, आपका भविष्य बनाने के लिए, आपके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए जमीन, आकाश, पाताल दिन रात एक कर रहा है। इसलिए बौखलाए हुए ये लोग मेरा परिवार ना होने की बात उठा रहे हैं। ये भूल रहे हैं कि 140 करोड़ देशवासी 140 करोड़ देशवासी ये मोदी का परिवार है। देश की हर माता, देश की हर बहन मोदी का परिवार है। देश का हर नौजवान, हर बेटा, हर बेटी मोदी का परिवार है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों को अंदाजा भी नहीं है कि करोड़ों लोग मुझे अपने परिवार का सदस्य ही मानते हैं। और इसलिए आज करोड़ों परिवार एक सुर में कह रहे हैं, एक आवाज में कह रहे हैं, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं। तेलंगाना में भी लोग कह रहे हैं नेने मोदी कुटुंबम। साथियों, आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की राह पर चल रहा है। हम हर राज्य का विकास चाहते हैं ताकि देश का विकास हो। हम पहले के मुकाबले तेलंगाना के विकास के लिए ज्यादा राशि दे रहे हैं। अभी अभी मैंने तेलंगाना के लोगों के लिए 1000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। ये सारे प्रोजेक्ट्स तेलंगाना के युवाओं के लिए रोजगार के 1000 अवसर बनाने और उनके सपने पूरा करने का जरिया बनेंगे। तेलंगाना के युवाओं के ये सपने ही आपके सपने ही, आप सबके सपने ही, आप मेरे परिवारजनों के सपने ही, आपके सपने, ये मोदी का संकल्प है।
आपके सपने ये मोदी का संकल्प है। साथियों, महिला, दलित और किसानों का हित हमेशा से हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर उज्ज्वला योजना तक, नल से जल से लेकर आयुष्मान भारत तक, हमारी हर योजना का सबसे ज्यादा लाभ महिलाओं को, मेरी माताओं बहनों को हुआ है। देश में जो 4 करोड़ से अधिक घर गरीबों को दिए गए हैं, उसमें से ज्यादातर घर महिलाओं के ही नाम पर है। दलितों और अति पिछड़ों के लिए भी इन 10 वर्षों में जितना काम हुआ उतना 70 वर्षों में नहीं हुआ है। स्कॉलरशिप देकर, कौशल विकास करके, मुद्रा योजना का लाभ देकर बीजेपी सरकार ने करोड़ों दलित बच्चों का सपना पूरा किया है। और आपको याद होगा, मैंने तेलंगाना में आकर के कहा था, और मैं गारंटी वाला व्यक्ति हूं, गारंटी पूरा करना जानता हूं। मैंने कहा था कि मादिका समुदाय के लोगों का सशक्तिकरण करने के लिए बीजेपी हर संभव मदद करेगी, और तभी हमने इसके लिए एक हाई लेवल पैनल भी बनाया था। इस पैनल ने लगातार मादिगा समुदाय के अनेक लोगों से मुलाकात की है, विचार विमर्श किया है, उनकी समस्याओं को समझा है और समाधान निकालने के लिए आगे बढ़े हैं। साथियों, बीजेपी सरकार ने तेलंगाना के किसानों के लिए भी ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। बीते वर्षों में हमारी सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के धान और कॉटन की खरीदी की है, 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा। तेलंगाना के 40 लाख से अधिक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत हर वर्ष हर एक किसान परिवार को 6,000 रुपए की मदद भेजी जा रही है। साथियों, मोदी तेलंगाना के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा, और ये मैं आपको गारंटी देता हूं। लेकिन मैं एक बात से आपको आगाह भी कराना चाहता हूं, तेलंगाना में बीआरएस सरकार के घोटालों से परेशान होकर तेलंगाना के लोगों ने कांग्रेस को मौका दे दिया। आप जानते ही हैं कि बीआरएस हो या कांग्रेस, दोनों एक जैसी ही पार्टियां हैं, एक ही सिक्के की दो बाजू हैं। बीआरएस कांग्रेस में गठबंधन है कि नहीं है वो तो तेलंगाना वाले बताएंगे, लेकिन दुनिया को ये पता है कि बीआरएस और कांग्रेस के बीच घोटाला बंधन बहुत मजबूत है, घोटाला बंधन है उनका। गठबंधन यहां की जनता जानती है, घोटाला बंधन सारी दुनिया जानती है। घोटाला बंधन यानी
तेलंगाना की लूट में दोनों एक दूसरे को कवर फायर देते हैं, कवर फायर। आप देखिए बीआरएस के लोगों ने कालेश्वरम घोटाला करके किसानों से करोड़ों रुपए लूटे, लूटे कि नहीं लूटे, लूटे कि नहीं लूटे। लेकिन अब कांग्रेस क्या कर रही है भाई, चुप बैठी है। ये लोग बीआरएस के घोटालों की जांच तक नहीं करा रहे हैं, ऊपर से फाइलें खोज खोज करके दबा रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इनके भी कई लोग बीआरएस के साथ घोटाले में शामिल है। इन्हें डर है कि इनकी सरकार में जो खेल चल रहा है कहीं वो खुलकर सामने ना आ जाए। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना को अपना नया एटीएम बना लिया है, लेकिन मैं इन्हें कहना चाहता हूं, एक दूसरे को कवर फायर देकर ये खेल बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, क्योंकि मोदी सरकार में सर्जिकल स्ट्राइक भी होती है और एयर स्ट्राइक भी होती है। लेकिन इसके लिए मुझे आपका भरपूर आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद मिलेगा ना, भरपूर मिलेगा ना, जी भर के मिलेगा ना, दिल खोल के मिलेगा ना। और इसीलिए तो तेलंगाना का हर इंसान कह रहा है, हर मतदाता कह रहा है, अब की बार 400 पार, अब की बार, अब की बार, अब की बार नागलो वनलो दाटाली, नागलो वनलो दाटाली, बीजेपी की वोटू वेयाली। मुझे विश्वास है कि तेलंगाना विकसित भारत के निर्माण के लिए जी भर करके हमें अपना आशीर्वाद देगा। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, दस ग्यारह बजे इतनी बड़ी रैली करना आसान बात नहीं है। मैं तेलंगाना बीजेपी को भी बधाई देता हूं और तेलंगाना के मेरे भाई बहनों को भी धन्यवाद करता हूं। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। वंदन समर्पण सिद्धिपेट जिला अध्यक्ष मोहन रेड्डी गारिनि चेयाल्सिंदिगा कोरुतां। नाटी मन प्रधानमंत्री मन प्रेम नायकुलु मोडी गारिकि इंत पेद्द एत्तुन स्वागतं पलिकिन अंदरिकी धन्यवादालु तेलियजेस्तू, मरि राष्ट्र अध्यक्षुडु किशन रेड्डी गारिकि, डाक्टर लक्ष्मण गारिकि, राजेंद्र गारिकि, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరూ కూడా, మరి అదేవిధంగా జిల్లా అధ్యక్షులు గోదావరి అంజనరెడ్డి గారికి